जब आपका रिजल्ट शो होगा और उसमें 95 प्लस आएंगे, उस समय हमसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं मिल सकती यार। रिजल्ट आपका आएगा लेकिन खुशी हमें मिलेगी, इस बात का आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे। सभी बच्चों को ये इजाज़त देंगे वो अपने मार्क्स को ओपन करके मेरे सामने लाए। तो यही 3 घंटे 15 मिनट अच्छा बल्लेबाज वही होगा जो एग्जामिनर को 3 घंटे 15 मिनट में अपने शब्दों में इम्प्रेस करके आएगा। इम्प्रेस करने के आइडिया हम आपको बताएंगे अनसॉल्व पेपर में। बताया 15 दिसंबर तक कराना है सिलेबस, तो कराना है, बस जुट जाइए। अब आप पढ़ने के लिए उतारू हैं तो हम पढ़ाने के लिए उतारू हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें और आगे बढ़ जाएं। आ जाइए फिर मेरे साथ में, बिल्कुल काक चेष्टा बको ध्यानम के जैसे हिल नहीं सकते आप, वीडियो से स्किप नहीं करेंगे, स्किप करेंगे सब कुछ खो देंगे। तो तीसरा पॉइंट ए लिलिक। हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। अब आपके लिए बुक शुरू हो गई है, स्टार्ट हो चुकी है चैप्टर 10, जिसका है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इसमें देखिए दो ही टॉपिक है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो अब हम पढ़ा रहे हैं आपको हेलो एल्केन। जब तक हेलो एल्केन को कंप्लीट करेंगे तब तक आप हेलो एरिन के बारे में पूरी तरीके से जान जाएंगे। पिछले वीडियो में जैसा आपने रिस्पॉन्स दिया था उस हिसाब से आपको समझ में आया कि कितना आसान होता है टॉपिक और आप इसमें कितनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको कितनी अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो आपका चलेगा कि जो हैलोजन कार्बन से जुड़ा होता है उसकी प्रकृति क्या है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में आपने कमेंट करके पूछा कि सर कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो हमने आपको उसमें बता दिया कि सिलेबस 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको पेपर की प्रैक्टिस भी करानी है और ये बताना कि पेपर को हल कैसे करना है। एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए देखिए पेपर को हल करने की प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि ऐसे टॉपर नहीं बना जाता है। पढ़कर तो सभी जाएंगे लेकिन टॉपर वो ही बनेंगे जो एग्जाम में एग्जामिनर को इम्प्रेस करने वाले शब्दों से लिख कर आएंगे। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस कराना जरूरी है। आप सीख जाएंगे, हम आपको सिखा देंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस ना कराई तो बेकार रह जाएगी, ये पढ़ाई रखी की रखी रह जाएगी, बेकार होगा इसका। तो उसकी प्रैक्टिस भी करानी है। तो आपसे हमने वादा कर दिया कि 15 दिसंबर से पहले पहले, एक दो दिन आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 15 दिसंबर से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस धैर्य रखिए और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए तो आपका सिलेबस ऐसा कंप्लीट हो जाएगा और सिलेबस इजी भी हो जाएगा। आप अपने आप से समझने लगेंगे कि खुद में कितने प्रिपेयर हैं। उसके बाद में हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम आपको एग्जाम की तैयारी कैसे कराते हैं। एग्जाम की तैयारी जब आपकी अच्छी हो जाएगी तो आप पेपर को अच्छे से हल करके चले आएंगे। कि एग्जाम में लिखा होगा क्वेश्चन कि क्या लिखना है, जैसे हम आपको टॉपिक आज पढ़ाने जा रहे हैं सी सिंगल बॉन्ड एक्स की प्रकृति, क्या बताएंगे आप, आपसे पूछ दे देगा एलिलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है, तो आप उसको बस अपने शब्दों में कुछ उल्टा सीधा लिख के आएंगे। लेकिन हम आपको बताएंगे कि जवाब कैसे लिखना है, आंसर कैसे देना है। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रख के आप बस ये रखिए, धैर्य बनाए रखिए, आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो आपने पिछले वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि सेकेंड बुक के जो ये हेलो एल्केन हेलो एरिन और फिनोल तक हमने सभी पढ़ा रखे हैं, यहाँ तक के सिर्फ बायो मॉलिक्यूल्स का चैप्टर ही बाकी है। लेकिन कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया कि रासायनिक अभिक्रियाएं करने में परेशानी होती है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की परेशानी है आपकी दूर किए देते हैं और फिर आ जाते हैं दोबारा से आपको पढ़ाएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको और बेहतर दें, और अच्छी तरीके से बताएं, थोड़ा और जड़ से लेकर चलें, बुनियादें और मजबूत करें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते ही तो होगा आपका अगला टॉपिक सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की प्रकृति की प्रकृति। तो भाई देखिए कार्बन पर संकरण 3 प्रकार का हो सकता है। जब कार्बन पर संकरण 3 प्रकार का हो सकता है तो कार्बन से जो हैलोजन परमाणु है उसका भी संकरण 3 प्रकार का हो जाएगा। यदि कार्बन एकल सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन के कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा तो होगा
sp3 संकरण। और जब कार्बन किसी एलिलिक यानी के डबल बॉन्ड वाले द्वि यानी के जिसे हम बोल सकते असंतृप्त कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा तो इसमें संकरण हो जाएगा आपका sp2 संकरण। अभी आप सिर्फ संकरण जान लें, बस हम आपके लिए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बता देंगे कि ये संकरण निकालना कितने आसान होते हैं और आप आसान बिल्कुल आसानी से इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर आ सकते हैं। तो उसके बाद में अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है और उसके बाद में हैलोजन परमाणु से सीधा जुड़ा हुआ है तो संकरण आपका हो जाता है sp संकरण। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि C सिंगल बॉन्ड X बंध की प्रकृति एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड में क्या होती है और इनमें हैलोजन परमाणु किस संकरण से, किस प्रकार के संकरण से कार्बन से जुड़ा रहता है। तो आप इसको बस समझ गए कि जब कार्बन सेचुरेटेड हो यानी कि संतृप्त कार्बन हो और कार्बन और हैलोजन के बीच में और अन्य कार्बन के बीच में जब ऐसा कार्बन हो जिसमें एकल बंद के बाद भी हैलोजन जब जुड़ा हो उसमें भी एकल बंद हो तो उसमें संकरण होता है sp3 संकरण। और जब कार्बन की दो संयोजकताएं कार्बन से जुड़ी हो तो वहां पर हो जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और उससे एक बैलेंसी से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो sp2 संकरण होता है। और जब कार्बन की तीन संयोजकताएं कार्बन द्वारा संतुष्ट रहे और एक संयोजकता हैलोजन परमाणु द्वारा संतुष्ट रहे तो होता है sp संकरण। तो चलिए आपको इन संकरणों के बारे में बताते हैं इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। देखिए कितना ईजी है। तो पहले आपको बताते हैं sp3 संकरण, वो भी किस में, हैलोजनों में या हैलो एल्केनों में, हैलो एल्केनो, हैलो एल्केनो में sp3 संकरण। इसको रब कर देते, पूरी बात लिख देते हैं। हैलो एल्केनो में sp3 संकरण, sp3 संकरण ये हो गया। और इसको हम इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं आप। तो अब आपको बताते हैं, देखिए पहला पॉइंट होगा आपका एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड जिन्हें हम कहते हैं हैलो एल्केन, ये एल्किल हैलाइड हो गया। पहले हम बताएंगे आपको एल्किल हैलाइड में संकरण किस प्रकार का होता है तो sp3 कैसे निकलता है। कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे आप लिखे मेथिल क्लोराइड, उसके बाद में आप लिखे एथिल ब्रोमाइड। इसमें जब कार्बन से अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, श्रृंखला को ओपन कर लेते हैं, सभी हाइड्रोजन को फैला लेते हैं तो यहाँ पर आपका संकरण निकालना बहुत जरूरी है, आपको ये सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको उदाहरण देने पड़ेंगे। उदाहरण जब देंगे तभी आप समझा सकते हैं कि हैलोजन परमाणु किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये हो गए आपकी ओपन श्रृंखला। जब हैलोजन परमाणु लिखना होगा, जब हैलोजन परमाणु संतृप्त कार्बन से, संतृप्त यानी जिसकी चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो, तो जब एल्किल हैलाइडों में का संतृप्त कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उनके मध्य sp3 संकरण पाया जाता है, संकरण पाया जाता है।
कैसे? अब हम आपको इसको डिफाइन करके बताते हैं sp3 संकरण हुआ कैसे है। बस ऐसे नहीं बता सकते कि आपको हमने बातों में बता दिया sp3 हो गया, ऐसे नहीं बताएंगे। हम आपको पूरा डिफाइन करके बताएंगे कि sp3 आखिर है कैसे। तो आप जानते हैं कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s 2 2s 2 2p 2। और हम आपको बता चुके हैं कार्बन एक्साइटेड स्टेज में जब होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसकी उप कक्षाएँ बना लेते हैं और दो इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये 2s है और ये 2p है, और दो इलेक्ट्रॉन इसमें है। जब कार्बन होता है उत्तेजित अवस्था में, किस अवस्था में? उत्तेजित, एक्साइटेड हो जाता है बंध बनाने के लिए। अब वो बंध बनाने के लिए एक्साइटेड होता है तो यहाँ पर कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन अपना परिसर बना लेते हैं और फैल जाते हैं। अब हैलोजन परमाणु की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जुड़ेगा कहाँ पर जाकर। अब एक यस कक्षा है और दूसरी पी कक्षा है, एक एस उपकक्षा है और एक पी उपकक्षा है। इलेक्ट्रॉन स्थान कितने हैं उसके जुड़ने के? ये हैलोजन, मान लिया यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, ये मेथेन है। अब इन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं मेथेन से, जैसे ये स्ट्रक्चर बन गया मेथेन का, बन गया। इस आधार पर कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉनों से हाइड्रोजन जुड़ गया, परमाणु 1 2 3 4 तीन जुड़ गया और किसका निर्माण किया? मेथेन का। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन द्वारा हैलोजन परमाणु उसी संयोजकता पर जुड़ जाता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन हैलो एल्केन कहलाते हैं। पिछले वीडियो में जिस स्टूडेंट ने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो वो पहले पिछले वीडियो में जाए और देखे, इस बात को पढ़े, तभी इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये बन गया क्या? मेथेन अणु बन गया। लेकिन ये हाइड्रोजन परमाणु जो क्लोराइड जुड़ा है, अब आप बता सकते हैं कि इस हाइड्रोजन को पृथक करके जुड़ा है या इस हाइड्रोजन को, तो इस हाइड्रोजन को, तो इस हाइड्रोजन, इन चारों हाइड्रोजन को वो पृथक कर सकता है। जैसे इसको भी, इसका प्रतिस्थापन कर देगा, इसका प्रतिस्थापन, इसका भी प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट किसी भी हाइड्रोजन का कर सकता है। यानी कि आप सीधी सी भाषा में समझ लीजिए कि खतरा चारों कक्षाओं पर, चारों सब सेलो यानी कि छोटी उपकक्षक पर मंडरा जाता है। तो खतरा पहली कक्षा कौन सी होती है? एस। एस, एस की पावर लगाएंगे 1, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। हैलोजन यहाँ भी जुड़ सकता है, यानी कि इसको हटा दीजिए, एक्स लिख लीजिए, आप इसको भी एक्स लिख लीजिए, लिख लिया। हम क्लोराइड ब्रोमाइड लिखेंगे ही नहीं, हैलोजन का सिंबल ही लिख लेंगे, ठीक है। तो हैलोजन का एक्स यहाँ लिख लिया, यहाँ भी। अब ये एक्स इस हाइड्रोजन को पृथक करके जुड़ सकता है, हटा देगा, भाई हट जाओ, या तो इसको हटा देगा या इसको हटा देगा, बस जुड़ेगा केवल एक ही स्थान पर। जब विष होगा तो दो स्थानों पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये या तो इस इलेक्ट्रॉन पर आकर जुड़ेगा, या तो इस संयोजकता से, या इस संयोजकता से, या इस, अब आप कह सकते हैं कि यहाँ भी जुड़ सकता है, आप ये कह सकते हैं यहाँ भी हैलोजन परमाणु जुड़ सकता है, आप ये कह सकते हैं यहाँ भी हैलोजन परमाणु जुड़ सकता है, आप ये भी कर सकते हैं यहाँ भी हैलोजन परमाणु जुड़ सकता है, लेकिन रहेगा तो एक ही स्थान पर। तो शेष आप हटा दीजिए। अब आप कैसे कन्फर्म करेंगे कि कहाँ पर हैलोजन परमाणु इस संयोजकता से जुड़ा है, या इस संयोजकता से, या इससे, या इससे? तो खतरा 1 2 3 4 कक्षाओं पर मंडरा जाता है और जितनी कक्षाओं से वो जुड़ सकता है उसकी क्षमता होती है। नहीं कहते हैं कि एक परमाणु को बैठना उसके लिए चार कमरे हैं, तो वो चारों से भाई जुड़ सकता है। तो शेष बचे हुए क्या होंगे? तो एक तो हो गई एस की ऑर्बिट और तीन हो जाएंगी पी की, तो क्या हो जाएगा? sp3। देखिए S की पावर 1 लगा दी और P की है 3, तो क्या हो जाएगा? sp
स्थिरी संकरण। आ गई बात समझ में कि एल्किल हैलाइडों में sp3 संकरण इस प्रकार का पाया जाता है। अब इसी प्रकार से हम बताएंगे बेंजिलिक हैलाइडों में, एलिलिक हैलाइडों में, तो आपको हम बताते हैं बेंजिलिक हैलाइडों में क्या होगा। बेंजिलिक हैलाइडों क्योंकि इसी में आपका दोनों सिमेट लिए गए हैं, अब अगर अलग अलग बताएंगे आपको हो जाएगी परेशानी, तो हम अलग अलग बताएंगे ही क्यों, क्योंकि आपको बनाना है हमें सबसे बेस्ट, बेस्ट देना है तो सबसे बेस्ट ही बनाना है। इसी बात पर लाइक ठोक दो वीडियो पर और लाइक कर दिया करो और साथ में कमेंट करके बताया करो कैसा वीडियो लगा, जैसे पिछले वीडियो में आपने कमेंट करके बताया बड़ा खुशी मिली है हमको, तो उससे ज़्यादा अब उत्तेजित होकर हम वीडियो आपको बताएंगे। तो अगला टॉपिक हम ले लेते हैं, जैसे अगर हो आपका बेंजिलिक, बेंजिलिक हैलाइड, हो सकता है बेंजीन हैलाइड। अब देखिए बेंजीन में क्या होता है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन प्रत्येक कोने पर होता है। पहले आप बेंजीन की संरचना समझ लीजिए, आप न्यू स्टूडेंट हैं तो बेंजीन की संरचना के बारे में जानिए। अब ये लीजिए, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, ये आपका हो गया साइक्लोहेक्सेन, लेकिन अब इसकी बैलेंस ही जोड़ेंगे कार्बन की कितनी कंप्लीट है। तो यहाँ देखते हैं एक कार्बन है तो इसकी एक हाइड्रोजन ने कंप्लीट की है, एक ये है और एक ये, तो एक दो तीन हुई हैं, इसी कारण एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर डबल बंद पाया जाता है, होता है ना। ऐसे ही जब हम इसको जल्दबाजी में लिखते हैं तो क्या करते हैं, इस प्रकार से बेंजीन को बनाते हैं। ये बन गई आपकी बेंजीन। आप प्रत्येक कॉर्नर पर यानी कि हर एक कोने पर क्या होता है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये हो गई बेंजीन। और इससे ज़्यादा जल्दबाजी में आप बेंजीन रिंग को बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लेंगे। अब देखिए अगर हम ये हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दें और हैलोजन परमाणु जोड़ दें तो ये बेंजिलिक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की दो संयोजकताएँ कार्बन से संतुष्ट हैं। यहाँ पर देखिए अब कार्बन के बीच में डबल बोंड कार्बन बचा, हैलोजन लगा, तो ये sp3 संकरण नहीं हो सकता। कारण बताएंगे आपको कैसे, जैसे अब हम इसको इन बेंजीन रिंगों को रफ कर देते हैं ताकि आपको स्थान मिल जाए समझने के लिए, वही कंडीशन C6। देखिए समय लगेगा लेकिन वीडियो में आपको इतना दे देंगे कि आप बिल्कुल बेस को इतने मजबूती से कर लेंगे, चाहे एक मंजिल 10 मंजिल बिल्डिंग बनाते चले जाइए, बिल्डिंग हिलने वाली नहीं, आप इतने बिल्डअप हो जाएंगे आप हिलने वाले नहीं हैं, तो भरोसा रखिए। बस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1s 2s 2p 2 ऑर्बिट बनाइए s की और p की, p में 3 ऑर्बिट होती है, इलेक्ट्रॉन को फिल करिए, भर दिए इलेक्ट्रॉन भाई। अब कार्बन आ गया उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में आया तो इसने इलेक्ट्रॉनों को फैला लिया इस प्रकार से, एक ये और एक ये और ये फैल गए। अब यहाँ देखिए एक कार्बन दूसरे कार्बन से द्विबंध बनाए हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों को तो वो खा ही जाएगा, दो इलेक्ट्रॉनों यानी दो संयोजकताओं को वो अवश्य घेर लेगा, दो संयोजकताओं को अवश्य घेर लेगा, तो उस समय आपका एस तो हो सकता है, या तो वो एक यस का इलेक्ट्रॉन लेगा या तो एक पी कक्षा का, अब पी कक्षा का ये लेता है या ये इलेक्ट्रॉन शामिल करता है, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि हैलोजन कैसे जुड़ा है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एस भी हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, पी का ये हो सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में बनाए द्विबंध, तो दो इलेक्ट्रॉन दो संयोजकता है तो कार्बन ही अपने आप में कंप्लीट कर लेता है, और जुड़ना एक है हाइड्रोजन को, हैलोजन को, तो दो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा। अब यह हैलोजन परमाणु परमानेंट एक एस की कक्षा से, एक एस से जुड़ा होगा, और उसके बाद में देखिए एक दो तीन, एक हाइड्रोजन ले जाएगा, ये दो कार्बन ले गया,
अब इसको एक दो इलेक्ट्रॉन ही इसके मिल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दुई अगर ये दो इलेक्ट्रॉनों से ये जुड़ सकता है, मान लिया हेलोजन यहाँ जुड़ सकता है, ठीक, अगर वो यहाँ जुड़ सकता है तो दो बंध उसको खाली छोड़ने पड़ेंगे, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए दो संयोजकताएं खाली छोड़नी पड़ेंगी कार्बन से कार्बन बंध बनाने के लिए। तो दो ये छोड़ दें या ये दो छोड़ दें या ये दो छोड़ दें, समझ लीजिए बात को बड़ी आसानी से, या तो ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दें हेलोजन, या ये दो छोड़ दें, या फिर अब क्या हो सकता है, अगर वो इससे जुड़ गया तो ये तीन खाली रह जाएंगे, इससे जुड़ गया तो ये तीन खाली रह जाएंगे। तो यहाँ पर उस समय आप लिख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन ये ख़त्म कर दिए हमने मान लिया, तो एक बचेगा आपका एस, दो इलेक्ट्रॉन एक इसका और एक इसका खर्च कर दिया, तो आपका हो जाएगा sp2 संकरण। क्या हो जाएगा? sp2, जबकि हम अभी किसको स्टडी कर रहे हैं? sp3 संकरण को। तो बेंजीलिक हैलाइड में क्या होगा? कार्बन की एक हाइड्रोजन पृथक होने के बाद एक और कार्बन लगा होगा, उससे हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। अब जुड़ा है हैलोजन परमाणु, इस कंडीशन में इस कार्बन से यह हैलोजन परमाणु किस प्रकार संकरित है यह आपको बताना होगा। तो यह बेंजीलिक हैलाइड है, यह एरिल हैलाइड नहीं, जो यहां पर हैलो एरिल लिखा है यह उसका एक प्रकार है, लेकिन बेंजील हैलाइड यह हैलो एरिन होता है। अगर यहाँ पर बेंजीन हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा तो ये कंडीशन में sp2 संकरण होगा, लेकिन अभी क्या हुआ, बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु किसने प्रतिस्थापित किया? एक एल्किल श्रृंखला ने, वो ऊपर जुड़ गई। अब उसका हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपको बता देते हैं, टोलुइन, ये टोलुइन बन गई। जब इसका एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएगा और एक हैलोजन परमाणु जुड़ जाएगा, अब इस कार्बन से इस हैलोजन परमाणु का संकरण किस प्रकार है? तो यहाँ पर केवल क्या है, एक कार्बन से एक ही सिंगल बंध तो बना है, देखिए इस कार्बन के मध्य कैसा बंध है, एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल यहाँ पर क्या था, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी दो इलेक्ट्रॉनों का घाटा। अब यहाँ पर चारों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो इसमें तो यहाँ पर आपको लिखना होगा बेंजीलिक हैलाइड में बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा जब एल्किल समूह जुड़ा होता है और उस एल्किल परमाणु के हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन द्वारा जब हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो कार्बन और हैलोजन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की प्रकृति। आप देखिए सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध हो गया, चाहो तो आप हाइड्रोजन को ऐसे फैला दो, ये सी सिंगल बॉन्ड एक्स की प्रकृति बतानी है किसमें, बेंजीलिक हैलाइड में। तो बेंजीलिक हैलाइड में आप बताएंगे तो यहाँ पर वो ही कंडीशन हो जाएगी उत्तेजित अवस्था में। अब ये कंडीशन वही हो गई उत्तेजित अवस्था, आप देखेंगे संकरण कैसे sp3 है कंप्लीट की नहीं, तो देखेंगे। अब यहाँ से ये एकल बंध है, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन यहाँ से जुड़ जाए कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़े वो यहाँ जुड़ गए और यहाँ हैलोजन जुड़ जाए, लेकिन इस हैलोजन का कोई स्थान निश्चित नहीं है, वो हो सकता है कि इस हाइड्रोजन के स्थान पर हो, ये हैलोजन हो सकता है इस हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ जाए, तो हो सकता है हैलोजन इस कार्बन के स्थान पर जुड़ जाए, जो इस संयोजकता से कौन जुड़ा है, कार्बन, इससे हैलोजन, इससे हैलोजन, हाइड्रोजन इससे हाइड्रोजन, यह हैलोजन इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और इस स्थान पर भी हो सकता है, एक दो तीनों चारों संयोजकताओं में किसी भी स्थान पर हैलोजन जुड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ एक्स कर लीजिए, यहाँ सी कर दे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ एच कर लीजिए, यहाँ एक्स कर लीजिए, कोई दिक्कत, आप यहाँ पर यक्ष कर लें और यहाँ यक्ष कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, बनेगा आपका यही। तो यक्ष कहाँ कहाँ चला गया, पहले यहाँ था फिर यहाँ आया फिर यहाँ गया, तो वो ऑर्बिट कौन कौन सी थी, एस उपकक्षा, पी उपकक्षक, तो एस पर एस की एक होती है और पी की होती है तीन, तो तीनों यानी के चार संयोजकताओं पर खतरा मंडराता रहता है, तो उसे हम कहते हैं sp3 संकरण। जितनी भी एक एस की ऑर्बिट और तीन पी की, ये हो गया लो।
कैसा हो गया, sp3 संकरण। इसी प्रकार से आप एलिलिक हैलाइड में बता सकते हैं। अब हम इसको रब कर देते हैं, बात आपके समझ में आ गई, और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें और आगे बढ़ जाएं। आ जाइए फिर मेरे साथ में, बिल्कुल काक चेष्टा बको ध्यानम के जैसे हिल नहीं सकते आप, वीडियो से स्किप नहीं करेंगे, स्किप करेंगे सब कुछ खो देंगे। तो तीसरा पॉइंट, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड ऐसे होते हैं कि श्रृंखला तो असंतृप्त होती है लेकिन कार्बन से हैलोजन sp3 संकरित रहता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे ये कार्बन है, दूसरा कार्बन ये डबल बॉन्ड लगाए हैं और इससे हैलोजन परमाणु नहीं जुड़ा है। अगर यहाँ जुड़ जाए तो sp2 हो जाएगा। तो लेकिन हम और एक कार्बन बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर CH2 लिखते हैं और ये X लिखते हैं। ऐसी कंडीशन में भी संकरण हैलोजन और कार्बन के मध्य sp3 ही होता है। है तो ये कैसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आप चाहे तो इसको इतना रफ कर दें और इतना ही रखें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से ही जुड़ा है हैलोजन परमाणु, लेकिन संकरित कैसा है sp3। कारण यहाँ पर देखिए, चारों संयोजकताएं फैली हुई है और ये चारों संयोजकताओं में हैलोजन इस संयोजकता से भी जुड़ सकता था, ये इससे भी जुड़ सकता था, इससे तो पहले से जुड़ा है और इससे भी जुड़ सकता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 चारों संयोजकताओं से जुड़ सकता है। और वो चारों संयोजकताएं कहाँ से प्राप्त हुई थी, एक एस से, इलेक्ट्रॉन अनपेयर था, और 3 पी में। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ना करो तो या तो हैलोजन यहाँ जुड़ेगा तो यस हो गया, या यहाँ भी जुड़ सकता है तो एक पी हो गई, और यहाँ जुड़ सकती है तो P2 हो गया, और यहाँ भी जुड़ सकता है तो P3 हो गया, sp3 संकरण। है ना जी, इसी बात पर लाइक ठोकते रहो, आगे बढ़ते रहो, लाइक ठोकते रहो, लाइक करते रहो, वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी भाई। देखो तो स्किप करके आगे बढ़ गए तो क्या होता है कि वीडियो में स्किप करते करते आप एकदम ये समझते हैं आप तो सब आ ही गया, क्या करना है, आप तो आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ऐसा नहीं करेंगे। अब आ जाएगा sp2 संकरण होता है बाइनिल हैलाइडों में। जैसे पहला पॉइंट लिखे आप बाइनिल हैलाइड, यानी के जब हैलोजन परमाणु द्विबंध वाले कार्बन के कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तब वो बाइनिल हैलाइड हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे आपका लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CL, आ गया बाइनिल हैलाइड। या फिर बेंजीन श्रृंखला से सीधे जुड़ा हो, ऐसे जुड़ा हो, अब ये sp2 संकरण हो जाएगा। इस बंदे को दो संयोजकताएं छोड़नी पड़ेंगी इस कार्बन के लिए, और वो संयोजकताएं हो सकती है s की हो या फिर एक p की हो, और दोनों ही p की ले ले। तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपका होता है, इन्हीं में आपको बता देते हैं। अब देखिए इसकी श्रृंखला को ओपन कर लो, खुली हुई श्रृंखला में आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, मेरा ये मानना है। फिलहाल आप जैसे एक्सेप्ट कर लें वो ही बेहतर है। तो आप देख लीजिए, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये चारों संयोजकताएं इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण है, हैलोजन भी इसी कार्बन से जुड़ा, लेकिन इस हैलोजन को दो इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे किसके लिए, कार्बन से कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए। इसी टाइप से हम इसको ओपन करते हैं तो CH, 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 CH और CH और CH, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से संकरित हो गया। अब इसके भी ये कार्बन, इसको हाइड्रोजन को निकाल लीजिए, इस कार्बन को हाइड्रोजन को फैला ले, श्रृंखला को पूर्ण रूप से
पूरी तरीके से हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, ताकि आपके बात बिल्कुल समझ में आ जाए। ये लीजिए, ओपन हो गई। अब एक हाइड्रोजन के, देखिए हेलो हाइड्रोजन, हेलो हाइड्रोजन कार्बन होते हैं जो हाइड्रोकार्बन, वो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में तभी कन्वर्ट हो जाते हैं जब कोई हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता, एक्स जोड़ दिया यहाँ पर एक्स। ये संरचना और ये संरचना बिल्कुल एक जैसी है, कोई भी इसमें अंतर नहीं है। बस अब आपको दो इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे कार्बन हैलोजन को, कि वो कार्बन से कार्बन का बंध बनाए हुए है, क्योंकि बैलेंसी टोटल कितनी है, चार, और चार के लिए दो छोड़नी पड़ेंगी। तो ऑर्बिट कितनी है आपको हम बताते हैं, एक एस की और तीन पी की है, हो गया। इलेक्ट्रॉनों का जब परिसर हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, हो गया। एक ये यस का है ऑर्बिट और ये पी किसकी है, कार्बन की। वन यस को तो हम लिखते ही नहीं, वन यस से कोई मतलब नहीं है, आउटर सबसे लिखते हैं जो बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। अब ये हैलोजन दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, या तो ये दो छोड़ दे, या ये दो छोड़ दे, या इसे इसे छोड़ दे, या एक इसका छोड़ दे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक यस में जुड़ सकता है और दो इसके में जुड़ सकता है। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ जुड़ गया और यहाँ जुड़ गया तो दो इसके छोड़ने पड़ेंगे। अगर हैलोजन इस पर जुड़ा जुड़ गया तो दो बंद छोड़ने पड़ेंगे, एक यस का छूट गया मान लिया और एक पी का छूट गया, तो दो बंद कार्बन और कार्बन के बीच में बंद गए। इसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए, दो छोड़ने पड़ेंगे, हो सकता है इन दो पर जुड़ सकता है हैलोजन परमाणु, ये दो छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध बनाना है। अब द्विबंध बनाने हैं तो यहाँ पर भी हैलोजन जुड़ सकता है और दो इसकी ऑर्बिट हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा दो इसकी, तीसरी नहीं हो सकती है। अब इसका बदलाव जरूर हो सकता है, ये आप नहीं कह सकते पर्टिकुलर यही होगी, परमानेंट यही होगी, नहीं कह सकते हम। हम इसको कह सकते हैं कि इन तीन से जुड़ सकता है, तो यस की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, एक, एक पावर, और पी की ज़्यादा से ज़्यादा वो दो ले सकता है, तो क्या हो जाएगा, sp2 संकरण हो गया। ये होता है। आप चाहे आप इसके लिए सोचें तो इस समय ये कार्बन sp2 संकरित है, ये हैलोजन, ये हैलोजन परमाणु sp2 संकरित है, और पिछले में और यहाँ भी sp2 संकरित है, और जबकि हम पिछला बता रहे थे तो उसमें ये कंडीशन थी CH3, CH2 और Cl। इस समय हैलोजन परमाणु लगा दें, कोई भी हो सकता है, Br हो सकता है, यहाँ पर X लगा लीजिए। इस समय यह हैलोजन परमाणु sp3 संकरित है, क्योंकि यह एल्किल हैलाइड है, यह बाइनिल हैलाइड है और यह बेंजीलिक हैलाइड है, बेंजीन हैलाइड है, हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, और या बेंजीन पर इस प्रकार से जुड़ा हो, ये जुड़ा और CH2 लगा और उससे X लगाओ, इस कंडीशन में भी क्या होगा, sp3 संकरण होगा। ये इस प्रकार से sp3 होते हैं, और यहाँ देखिए चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ कितने हो गए, तुरंत इसी बॉन्ड के बाद में कार्बन से डबल बॉन्ड, इसी बॉन्ड के बाद कार्बन से डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड जब आ जाता है तो हैलोजन परमाणु उस समय sp2 संकरण होता है, जैसे हमने आपको समझाया है। तो आ जाते हैं sp संकरण, यहाँ पर लिखना भूल गए थे, अब यहाँ पर लिख देते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अब बताते, कुछ ऐसे भी हैलोजन परमाणु आपको मिलेंगे, यही आपको वहाँ पर डिफाइन करना है, बताना है अपने अच्छे अच्छे शब्दों में, जैसे हम आपको समझा रहे हैं। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए किसी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध की प्रकृति, जिसका नाम ले लें बाइनिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड या बेंजीलिक हैलाइड, तो आप जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे किस प्रकार से हैलोजन परमाणु संकरित है। तो अब आ जाता है एलिलिक हैलाइड के बाद बेंजीलिक हैलाइड हो गया। अब आ जाएगा कार्बन जब तीन बंद बनाए हो, कैसा, ट्रिपल बॉन्ड,
ट्रिपल बॉन्ड बनाए हो, तो ठीक है ट्रिपल बॉन्ड बनाए, ये लो जुड़ गया हैलोजन। क्लोराइड ही बार बार क्यों जोड़ते हैं, क्लोराइड ज़्यादा ही, तो हैलोजन परमाणु जोड़ दिया ये हमने। भाई बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड आता नहीं है, तो बेंजीन में ऐसी कंडीशन को हम नहीं दिखा सकते। अब इस हैलोजन परमाणु को तीन इलेक्ट्रॉन के स्थान छोड़ने पड़ेंगे ताकि ये कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बंध बना ले, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कैसा ले सकता है, देखिए तो इस कंडीशन में हमें लिखना होता है जब हैलोजन परमाणु कार्बन की ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसकी तीन संयोजकताएं अन्य कार्बन परमाणु द्वारा संतुष्ट होती है, तो उसमें sp संकरण पाया जाता है। कैसे देखते हैं इसको, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ये s है, ये p है, ये p कक्षा के तीन इलेक्ट्रॉन है। हैलोजन भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक s इस इलेक्ट्रॉन से साझा कर सकता है, तो s, और एक इसकी। अब ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो, या वो ये हो सकता है, ये वो हो सकता है। अगर वो इससे जुड़ता है तो तीन ये छोड़ने पड़ेंगे बाई चांस, अगर वो इससे जुड़ता है तो तीन ये छोड़ने पड़ेंगे इस कार्बन के लिए, अगर वो इससे जुड़ता है इस इलेक्ट्रॉन से तो एक दो तीन ये छोड़ने पड़ेंगे इस कार्बन के लिए, अगर वो इससे जुड़ता है तो एक दो तीन ये छोड़ने पड़ेंगे। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा पी की कितनी होगी, एक, तो ये हो जाता है sp संकरण। तो ये संकरण आप जान चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब हम इसी में स्टार्ट करेंगे हैलो एल्केनों का नामकरण। नामकरण भी बताते चले क्योंकि टॉपिक अब यहाँ पर छोटा रह जाएगा, तो कुछ और भी सीख लेते हैं इसी वीडियो के साथ में। और वीडियो हमारा इस संकरण का यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि सर आप समझ में आया कि नहीं आया। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको समझ में आया ना आया, तो इस बात की आपको आज़ादी है। देखिए हम आपके सामने नहीं होते हैं, तो आप जैसा चाहे वैसे हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि बात समझ में आई या नहीं आई, हम लिख सकते हैं या नहीं। अभी तो आप बस सीखिए, लिखने के तो आइडिया हम देंगे कैसे लिखना है आपको, कैसे एग्जाम में एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। घबराइए नहीं बिल्कुल, आप एग्जाम में ऐसा लिख के आएंगे सबसे बेस्ट दे के आएंगे, अपना बेस्ट भाई पर, क्योंकि आपको तैयारी करनी है केवल 3 घंटे 15 मिनट की। जो आपको पेपर पढ़ने के 15 मिनट दिए जाते हैं ये तो आपके बेस्ट हो जाते हैं। देखिए अच्छा बल्लेबाज वो ही है जो मेन स्थान पर यानी के सेमीफाइनल और फाइनल में बैटिंग करता है। आपको केवल फाइनल में बैटिंग करनी है। अभी आप रोज बल्ला उठाकर शतक मार देते हैं और अपने फ्रेंड सर्किल में ये बताते हैं कि मैं, मुझे बहुत आता है, मैं तो यूं ही निकाल देता हूँ। वो बात अच्छी है, निकाल देते हैं, बेस्ट है, बहुत बेस्ट आप लक, आप निकाल देते हैं, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, गुड लक है मेरा। लेकिन गुड लक तभी काम करेगा, गुड लक देखिए आपकी क्वालिटी तभी परखी जाएगी जब एग्जाम में आपके 95+ लगे होंगे, जब आपका रिजल्ट शो होगा और उसमें 95+ आएंगे, उस समय हमसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं मिल सकती। यार रिजल्ट आपका आएगा लेकिन खुशी हमें मिलेगी इस बात का। आप कमेंट में बताएंगे क्योंकि हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे, सभी बच्चों को ये इजाज़त देंगे वो अपने मार्क्स को ओपन करके मेरे सामने लाए। तो यही 3 घंटे 15 मिनट, अच्छा बल्लेबाज वही होगा जो एग्जामिनर को 3 घंटे 15 मिनट में अपने शब्दों में इम्प्रेस करके आएगा। इम्प्रेस करने के आइडिए हम आपको बताएंगे अनसॉल्व पेपर में। बताया 15 दिसंबर तक कराना है सिलेबस, तो कराना है, बस बस जुट जाइए। अब आप पढ़ने के लिए उतारू है तो हम पढ़ाने के लिए उतारू है। पढ़ना है आपको, पढ़ना है तो बेस्ट देना है, बेस्ट देना है तो लग जाइए, तो लग जाइए। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं यहीं पर। आइए हैलो एल्केनों का नामकरण। दो सिस्टम होते हैं इसके भाई, दो सिस्टम होते हैं, तो लिखेंगे पहले हैलो एल्केनो, हैलो एल्केनो, या लिखेंगे आप एल्किल हैलाइड, कुछ ओस जैसा जम गया है इस पर।
रब कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ तो एल्किन हैलाइड, हेलो एल्केनों को तो हम बोलते हैं, IUPAC का नाम होता हेलो एल्केन, हेलो पहले लगाएंगे एल्केन बाद में, ब्रोमोमेथेन क्लोरोमेथेन तो यही बोलते हैं, यही नाम ही आपको बताते हैं कि नाम क्या लिखना है, एल्किल हैलाइड। का नामकरण नामकरण ये हो गया, आपको बताना, देखिए यहीं पर आपको बता देते हैं, आगे बढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, अगर यहां पर आप समझ जाए, देखिए ये है IUPAC का नाम और ये है साधारण पद्धति जिसे हम कहते हैं कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम ये IUPAC सिस्टम का नाम, यानी कि हैलोजन को पहले बोलिए उसके बाद में एल्केन का नाम ले लीजिए, यहाँ पर है एल्किल को पहले बोलिए उसके बाद में हैलाइड लगा दीजिए, और हैलोजन आपके क्या है वही, इन्हें हम बोलते हैं IUPAC में जैसे बोलते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो, इसी को हम ये IUPAC में क्या बोलेंगे, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। अब यहाँ लगाइए हेलो की जगह पे, फ्लोरो एल्केन क्लोरो एल्केन ब्रोमो एल्केन आइडो एल्केन, अब यही हमें नाम पीछे जोड़ने हैं, लेकिन नाम नाम का नामकरण चेंज हो जाएगा, फ्लोराइड अब इसको बोलेंगे साधारण पद्धति में फ्लोराइड, इसको बोलेंगे क्लोराइड, इसको ब्रोमाइड, इसको आयोडाइड, अभी भी कुछ लगा हुआ है यहाँ पर तो इसको निकाल लेते हैं, कपड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा, समय है कम, जल्दी करना है आपके लिए और अच्छा देना है, तो यहाँ पर है फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड लगाइए, मेथिल क्लोराइड मेथिल ब्रोमाइड मेथिल आयोडाइड, ये क्या होते हैं कॉमन सिस्टम होते हैं। तो लिखते हैं एल्किल हैलाइडों या हेलो एल्केनों का नामकरण करने की दो पद्धतियाँ होती हैं, कितने दो सिस्टम होते हैं, दो सिस्टम में सबसे पहला आप सीखिए साधारण पद्धति, साधारण पद्धति, क्योंकि इन नामों में स्टूडेंट उलझ जाते हैं, कभी एल्किल लिखा होता है कभी मेथेन लिखा होता है, कभी मेथिल लिखा होता है कभी मेथेन होता है, वो इस चीज़ की कन्फ्यूजन में मारे जाते हैं क्या नाम लिखना है, तो इस कमजोरी को आज पूरा करते हैं और इस कमजोरी को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं, साधारण पद्धति जिसे हम बोलते हैं कॉमन सिस्टम, ये हो गया कॉमन सिस्टम। अब कॉमन सिस्टम में नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल, पहला रूल, जब तक कार्बन में, देखिए यही पर है क्योंकि IUPAC सिस्टम के बस हेलो एल्केनों की करा रहे हैं, फुल IUPAC का वीडियो बनाएंगे, बच्चों ने कमेंट किया है, बस थोड़ा सा समय दीजिए, हम एक दिन बनाकर आपको अपलोड कर देंगे और आप कभी भी IUPAC सिस्टम से घबराएंगे नहीं, बस आपको फंक्शनल ग्रुप याद करने हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स नाम याद करने हैं, यानी कि पूर्व लग्न में नाम क्या लिया जाएगा और अनुलग्न में क्या लिया जाएगा, बस इतना ही आपको कन्फर्म करना है, अभी बस हम एल्किल हैलाइडों का नामकरण कर रहे हैं, ये ना समझे कि हमने पूरे सिस्टम को ही दे दिया है, पूरे सिस्टम का एक अलग वीडियो बनेगा तो उसके लिए वो अलग से अपलोड कर देंगे, आप देख लेंगे और IUPAC अच्छे से सीख जाएंगे, बस घबराए नहीं, अभी सिलेबस पर चलिए। तो देखिए CH3Cl ले लिया, या यहाँ पर ले ले CH3CH2Br, अब कार्बन हम इंक्रीज कर रहे हैं यानी कि बढ़ा रहे हैं, एक कार्बन था अब यहाँ दो हो गए, अब इसी हिसाब से अब यहाँ ले आते हैं CH3CH2CH2 और यहाँ पर आयोडो लगा देते हैं आयोडीन, ठीक है। अब आगे और लिखते हैं तो लिखेंगे CH3CH2CH2, कार्बन बढ़ाते चले जाइए और यहाँ पर लगा दीजिए फ्लोरो, वैसे फ्लोराइड से जुड़े हुए कंपाउंडों के यौगिक अच्छे नहीं बनते, आप इसका एग्जाम्पल ना ही दे तो बेहतर है, तो फ्लोराइड को हटा दीजिए, आप ब्रोमाइड ले लीजिए यहाँ पर। अब कंडीशन समझिए, नाम लिखना है, इसका नाम एक कार्बन को बोलते हैं IUPAC में मेथेन, क्या बोलते हैं मेथेन, लेकिन हम इसका साधारण पद्धति में इस आधार पर नाम लिखेंगे, साधारण पद्धति में बोलते हैं एल्किल हैलाइड, बस एल्किल की जगह एल्किल रखिए और हैलाइड की जगह हैलाइड रख दीजिए, बस नाम लिख गया आपका, तो यहां पर एल्किल में मेथेन है तो इसे बोलेंगे मेथिल
अब इस एल्किल का नाम लिख गया, लिख दिया यहाँ आपने, और आगे जुड़ा है क्लोरो। अब यहाँ पर हम क्लोरो नहीं लिखेंगे, क्या लिखा है, हेलाइड, यानी कि हेलाइड क्लोरो है तो वो क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड हो गया। ये देखिए कितना इजी है। अब देखेंगे दो कार्बन, दो कार्बन का मतलब होता है आईपीएसी में मेथेन, एथेन सॉरी एथेन होता है, लेकिन यहाँ पर होगा एथिल, क्योंकि हमें इस टाइप का नाम लिखना है, एल्किल हेलाइड में लिखना है। ये साधारण सिस्टम है एल्किल हेलाइड, अगर आईपीएसी सिस्टम होता तो लिखना होता हमें हेलो एल्केन, अभी भी वो भी आपके सामने आ रहा है, तो इसे बोलेंगे एथिल, एथिल। और क्या लगा हुआ है, अब आपने इसका नाम लिख दिया एथिल, दो कार्बन थे एथिल लिख दिया, अब इसका नाम लिखना है तो हेलाइड, यानी कि ये हो जाएगा ब्रोमाइड। सब इसी निक नेम पर लिखे जा रहे, एल्किल मेथिल और उससे जुड़ा हुआ क्लोराइड, तो आगे हेलाइड लगा है तो उसे क्लोराइड में बता दिया, जो सा हेलाइड लगा होता है वो इसका नाम बताता है। अब आ जाता है तीन कार्बन, जब तीन कार्बन आ जाए तो एक नाम, एक शब्द जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, शब्द क्या, बर्ड्स बोलते हैं उसे, बर्ड बोल रहे हैं, यानी कि एक अक्षर जोड़ना। जब किसी कार्बन की श्रृंखला में तीन या तीन से अधिक, सबसे पहले तीन या तीन से अधिक कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसके आगे स्मॉल एन लगा देते हैं। जिस बच्चे ने या जिस स्टूडेंट ने, हमारे प्यारे स्टूडेंट हो, जो तुमने नहीं सीखा है वो सिखा रहे हैं, एन लगा देख लेते हैं। आप उठाते हैं अपनी बुक, जैसा अभी कोई भी मॉडल पेपर उठा लेते हैं, या विद्या का हो या वो किसी भी विषय का मॉडल पेपर हो, और उस किसी भी प्रकाशन का हो, चाहे वो विद्या का हो, मास्टरमाइंड का हो, और भी कई प्रकाशन चलते हैं फिलहाल में, हम इतना उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ पर ये जरूरी है। जब आप उसमें देखते हैं कि एन क्यों लगाया जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं, अब आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि जब कार्बन में, जब कार्बन की श्रृंखला में, यानी कि कार्बन की लंबी से लंबी चैन में तीन कार्बन हो, या तीन से और ज़्यादा हो जाए, तीन से चाहे अनलिमिटेड हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके नाम के आगे एन जोड़ देते हैं। अब लिखते हैं कार्बन की श्रृंखला का नाम, कितने, तीन, तो तीन कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपिल, क्या बोलेंगे, प्रोपिल लिख गया, यानी कि एन प्रोपिल, और आगे क्या जुड़ा है, हेलाइड, और हेलाइड क्या है नाम इसका, इस हेलोजन का नाम क्या बोलेंगे, आयोडाइड, आयोडाइड, समझ गए। अब आगे फिर वही कंडीशन इसमें आ जाती, कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन से पहले हमने बताया तीन कार्बन से ज़्यादा होने पर एन जोड़ते हैं, या कम से कम तीन हो, एन जोड़ दिया, ये इन, ये एन की जो परेशानी थी उसका तो दी एंड हो गया। अब ये मुसीबत आपके सामने आएगी तो आप समझ जाएंगे, जब भी कार्बन की श्रृंखला में तीन कार्बन से ज़्यादा या तीन कार्बन तक कार्बन परमाणु उपस्थित हो तो उसमें एन जोड़ देते हैं, एक छोटा सा वर्ड्स लगाते हैं जिसका नाम है एन। है ना कितना आसान तरीका, बस काहे की टेंशन लेते हो भाई, आप तो बस सीधे साधे भोले वाले से स्टूडेंट हमारे, तो बस टेंशन तो लेना ही नहीं, टेंशन को पेंशन देंगे। तो चार कार्बन को बोलेंगे हम ब्यूटिल, एन ब्यूटिल, और क्या लगा, आप देखिए एल्किल लिख गया, एल्किल को भाई कार्बन थे उसके नाम बता दिए, ब्यूटिल है, चार कार्बन है तो ब्यूटिल हो गया, और आगे क्या जोड़ देंगे, ब्रोमाइड। ये तो एक तरीका हो गया कि ये एक सिस्टम है कि जब कार्बन की, अब आ जाता है जब कार्बन की श्रृंखला का अंत हो रहा हो, यानी टर्मिनल हो रहा हो, और उसमें एक मेथिल समूह दूसरे कार्बन परमाणु पर जुड़ जाए तो उस कंडीशन में क्या नाम लिखेंगे। तो ये आप सीख गए, इसको हम रब कर देते हैं, अभी साधारण पद्धति का दी एंड नहीं हुआ। अब दूसरा, अब आपको मिलेगा दूसरा तरीका, जैसे कार्बन की श्रृंखला का एंड हो रहा हो, ये यहां पर लगा दें आप ब्रोमाइड, या और बड़ी श्रृंखला हो,
देखिए हमने सीधी सी सीधी चैन बताई थी, लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला मिले तभी एन लगाते, हर जगह एन को लगाते नहीं घूमेंगे। तो यहाँ पर देखिए एन नहीं लगेगा, नहीं तो आप समझे, जब सीधी से सीधी हो ऐसी शाखाओं में ना बटी हो तो एन लगाते हैं। ये अब शाखाओं में बट गई, अब एन नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर एक और लगा हो और कार्बन की श्रृंखला बड़ी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ क्लोराइड लगा दो आप, लग गया। तो ये दूसरा रूल है, ये कहता है कि जब कार्बन की श्रृंखला में अंतिम कार्बन परमाणु से पहले वाले कार्बन परमाणु पर एक और मेथिल समूह उपस्थित हो। क्या बोला कि जब हैलो एल्केन में अंतिम कार्बन परमाणु, यहाँ से गिनती शुरू होती है एक दो, ऐसे यहाँ पर गिनती करो एक दो तीन चार, अंतिम कार्बन परमाणु आखिरी कौन सा है, ये टर्मिनल का कार्बन ये है अंतिम, तो इससे पहले वाले कार्बन परमाणु पर एक मेथिल समूह उपस्थित हो तो उसके नाम के आगे उसका नाम लिखने के पहले आइसो शब्द जोड़ देते हैं। आइसो, अब अपनी बुक उठाइए और देखिए आइसो लिखा होगा। यह आप अब समझ गए कि जब हैलो एल्केन की लंबी से लंबी श्रृंखला होती है और उसके अंतिम कार्बन परमाणु से पहले वाला जो कार्बन परमाणु होता है उस पर अगर कोई मेथिल समूह उपस्थित है तो उसके नाम के आगे क्या जोड़ देते हैं, आइसो। अब टोटल कार्बन गिन लीजिए, एक दो तीन, तीन कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपिल। आइसो जुड़ गया प्रोपिल, और यहां पर क्या है एल्किल, एल्किल का नाम तीन कार्बन थे प्रोपिल हो गया, और इसको बोलते हैं ब्रोमाइड। लीजिए इस कंडीशन में ऐसा नाम लिखा जाएगा, ये हो गया ब्रोमाइड। ठीक है अब इसका देखिए, अब इसमें भी भाई देखिए टर्मिनल वाला कार्बन है अंतिम, उससे पहले जो कार्बन मिला उसमें क्या जुड़ा है मेथिल समूह, तो इसमें भी हमें जरूरी हो जाता, ये हम पर लागू हो जाता कि हम आइसो लगा दें। आइसो कार्बन जोड़िए, एक दो तीन चार पाँच सब कर लेते हैं टोटल, एक भी कार्बन को छोड़ कर नहीं चलते हैं। ये IUPAC सिस्टम नहीं है, कौन सा सिस्टम है, कॉमन सिस्टम। अब यहाँ पर पांच कार्बन है तो लिखेंगे आइसोप्रोपिल क्लोराइड, क्लोराइड ये हो गया दूसरा सिस्टम। अब इसका साधारण पद्धति का एक और होता है, ऐसे तरीके और मिल सकते हैं कि जब कार्बन श्रृंखला पर, इसको हम मिटा देते हैं फिर हम आपको बताते हैं, रब कर दें, चलते हैं और आगे। आज के बाद तो आप IPSC जो साधारण है ना, बिल्कुल बिल्कुल बेकार तरीके की, मतलब कहते हैं नॉर्मल बेस की IUPAC होती है, उसको तो आप ऐसे ही सीख जाएंगे। बस जिसमें फंक्शनल ग्रुप जब लंबी लॉन्गेस्ट चैन होती है इधर घूम जाती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, NCERT में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हैं ये आखिर क्या मामला है, तो उस कंडीशन में बड़ा, कभी तो ऐसे ऐसे बन के आते हैं NCERT में, ऐसे बने होते हैं। देख लीजिए आप NCERT को खोल कर ओपन करें और NCERT को देखिए, शुरुआत ही चैप्टर में हैलो एल्केन हैलो एरीन में IPSC नेमिंग सिस्टम है, उसमें ऐसे लिखे होते हैं, आप समझ ही नहीं पाते कितने कार्बन कहां पर कौन सा जुड़ा है। ऐसी कंडीशन में नाम लिखना आपके लिए दुर्लभ हो जाता है, हम इसीलिए IPSC का वीडियो देंगे आपको ताकि आपकी ये सारी परेशानी दूर हो जाए। तो तीसरा तरीका, तीसरा प्रकार या टाइप बोल सकते हैं, जब टर्मिनल वाले कार्बन परमाणु से पहले जो कार्बन होता है उस पर दो मेथिल समूह जुड़े हो। ये टर्मिनल का कार्बन परमाणु है, उससे पहले दो मेथिल, एक ऊपर एक नीचे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर लगाओ आपका ब्रोमाइड हो गया, और आगे लिखे हो बढ़ा सकते हैं इस श्रृंखला को, ऐसा नहीं इतना ही छोड़ दे, और CH2 और लिख दो आप I, लिख गया। अब देखिए जब अंतिम कार्बन यानी कि एक ये टर्मिनल है, लास्ट का जो कार्बन है उससे ऊपर नीचे दो ऊपर नीचे जुड़े हो या साइड से यहां पर लटका दे कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब दूसरे कार्बन परमाणु पर जो टर्मिनल वाला कार्बन परमाणु होता है अंतिम कार्बन परमाणु को छोड़कर उसके बाद वाला जो कार्बन परमाणु दूसरे नंबर पर आता है तो उससे दो मेथिल समूह जुड़े हों,
तो उसके नाम के आगे नियो शब्द जोड़ देते हैं, नियो। अब आप चूंकि हिंदी मीडियम के हैं तो नियो लिखिए हिंदी में, और इसको एक नाम से और बुलाते हैं ट्रेट, ट्रेट। ज़्यादातर आप याद रखेंगे नियो, और कार्बन गिनेंगे 1, 2, 3, 4, टोटल कार्बन की गिनती करके उनका नाम लिखेंगे, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटिल, ये हो गया आपका ब्यूटिल। और लगा क्या हुआ है, ब्रोमाइड, लीजिए ब्रोमाइड, हो गया। तो क्या बोलेंगे, नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड। इस ट्रेट को आप भूल जाइए, नियो ही लगाइए। क्या नाम जोड़ते हैं, नियो, ये हो गया नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड। यहां पर देखिए, ये टर्मिनल का कार्बन है अंतिम, उससे पहले वाला, उससे बाद वाला कार्बन है, उस पर दो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये। अब कौन सा नाम हो गया जरूरी लिखना, नियो, तो लिखेंगे नियो। टोटल कार्बन जोड़ो 1, 2, 3, 4, 5, 5 को हम बोलते हैं पेंटिल, पेंटिल। और क्या जुड़ा हुआ है, आयोडाइड, आयोडाइड। अब मुझे यकीन हो गया कि अब आप आईपीएससी सिस्टम को छोड़कर कॉमन सिस्टम में कोई गलती नहीं करेंगे। कमेंट बॉक्स में ये बात कमेंट करके बताएंगे आप कि आपने ये बात सीख ली है। देखिए तभी हम आपकी बातों को समझ पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। हम तो ऐसे वीडियो बना रहे हैं तो आपको बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन आपकी कमियों को भी हम तभी दूर कर पाएंगे जब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएंगे, सर इस बात को हम नहीं समझ पाए। तो फिर इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दें। जो भी स्टूडेंट हमारे नए चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल से सब्सक्राइब, चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने स्टूडेंट हैं उन्हें से भी जोड़ लीजिए, क्योंकि 15 दिसंबर तक ये वादा आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और बेस्ट देंगे आपके लिए। आपको उभारना है, क्योंकि आपको साथ में बहुत धोखेबाजी हुई है, उस धोखेबाजी को दूर कर देनी है। बहुत से ज़्यादा बवाल आपके साथ में लग गया, लॉकडाउन का समय रहा, पढ़ाई कर नहीं पाई आपने, दिक्कत पे दिक्कत आती गई, मुसीबत हो गई, समय कम, पेपर होने ही हैं, तो पेपर होने उनकी तैयारी भी अच्छी करनी है। तो जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं अपने फ्रेंड सर्किल में इस बात की चर्चा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, तो शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। आगे चलते हैं, अब आ जाएगा आपका IUPAC सिस्टम, क्योंकि हमने बताए थे इनका नामकरण करने के दो ही विधियां होती हैं। एक तो होती है IUPAC सिस्टम, दूसरी होती है कॉमन सिस्टम। अब हम आपको लिख देंगे, आप फ्लोरो बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, फ्लोरो। आप क्लोरो, क्लोराइड होगा तो इसको बोलेंगे हम क्लोरो। अब इस टाइप का नाम लिखेंगे, ये होता है IUPAC नेम, हैलो एल्केन। उसके बाद में लिखेंगे ब्रोमो, ये ब्रोमाइड लिख रहे थे, अब हम इसको लिखेंगे ब्रोमो। और ये आयोडाइड था, इसको हम लिखेंगे आयडो। है ना सिंपल, बेकार में टेंशन लिए घूम रहे हैं। कमेंट में बताया सर ने, तो भाई लीजिए आज पूरी कर देते हैं आपकी ख्वाहिश को। पहले इसको बोल रहे थे फ्लोराइड, इसको क्लोराइड, अब IUPAC सिस्टम इसको बोलेंगे फ्लोरो, इसको ब्रोमो, क्लोरो और इसको ब्रोमो, इसको आयडो। यहाँ पर इसको बोल रहे थे ब्रोमाइड, यहाँ पर बोला था आयोड क्लोराइड और इसको बोला था आयोडाइड। तो अब आ जाते हैं सिस्टम कौन सा होगा, IUPAC सिस्टम। तो ये IUPAC सिस्टम, इसमें किस तरीके का नाम लिखेंगे, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, यानी कि हैलोजन का नाम पहले लिखना है और एल्केन का नाम बाद में लिख देना है, वो भी एल्केन, एन की आवाज आनी चाहिए। कैसी आवाज आनी चाहिए, एन की आवाज आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, एल्केन की आवाज चाहिए आपको। तो इस सिस्टम में हम लिखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, चाहे जितने चाहो उतने एग्जाम्पल लिखो एक ही बार में, सभी खल्लास, सभी को एक बार में लिख देंगे। CH3 CH2 CL पहला, CH3 CH2 CH2 BR दूसरा, तीसरा लिखेंगे CH3 CH2 CH2 I, और आगे बढ़ा लीजिए
CH2I, हो सकता है कहीं बीच में लगा हो, तो दूसरा त्रिकार आपको ऐसे मिल जाए CH3CH Cl, यहाँ लगाओ CH2, तो यहाँ पर लिखेंगे CH2 और Cl, ऐसे लिखे मिल सकते हैं आपको, और उस तरीके का, और CH3CH, यहाँ पर आयोडीन अलग, CH ब्रोमीन अलग, और यहाँ पर लिख देंगे CH2 और यहाँ पर क्लोरीन अलग, ऐसा तरीका भी आपको मिल सकता है नॉमनक्लेचर में। तो आप बोलेंगे कार्बन गिनेंगे, एक दो कार्बन, दो कार्बन के लिए हम बोलते हैं नाम मेथेन, क्या बोलते हैं मेथेन, अरे क्या बोलते जा रहे हैं, कहाँ दिमाग लगा दिया, दो कार्बन को एथेन बोलते हैं, सॉरी इस बात के लिए, दो कार्बन को हम बोलते हैं एथेन, क्या बोलते हैं एथेन, और यहाँ कितने कार्बन, एक दो तीन, तो इसको बोलते हैं प्रोपेन। देख लीजिए यहाँ कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, लेकिन अभी तो मैंने नाम मेन तो लिखे ही नहीं है, तो इसके आगे जोड़ना है हमें क्या चीज़, क्लोरो, तो यहाँ पर उठाकर लिख दीजिए, देखिए ये एल्थेन, दो कार्बन है, एक ये एक ये, एथेन लिख गया, इसके जैसा हो गया एल्केन, एथेन। यहाँ देखिए एक दो तीन कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन यानी एल्केन, एक दो तीन चार, चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन यानी एल्केन, उसके आगे क्या जोड़ना हमें, हैलो, यानी कि हैलो कौन से, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ढूंढो कौन सा लगा हुआ है, देख लीजिए क्लोरो लगा हुआ है, तो क्या लिख देंगे, क्लोरो एथेन, लिख गया नाम, हो गया कंप्लीट। ऐसे ही यहाँ पर प्रोपेन तो हमने पहले लिख दिया, आप ढूंढिए कौन सा लगा हुआ है, ब्रोमो, ब्रोमाइड लगा हुआ है, तो इसको लगा देंगे ब्रोमो, क्या हो गया, ये अच्छा नहीं चल रहा है तो मार्कर ब्लैक ही यूज करते हैं, ब्रोमो प्रोपेन, अब हो गया हैलो एल्केन, क्लोरो एथेन, ब्रोमो प्रोपेन। अब यहां पर देखते हैं एक दो तीन चार, चार कार्बन को ब्यूटेन बोला लेकिन जुड़ा क्या है, आइडो, आइडो ब्यूटेन, ये तो हो गया इस टाइप का कि पहले हम लिखेंगे नाम क्लोरो का, उसके बाद में जितने कार्बन होंगे उसका एल्केन में नाम लिखेंगे, दो होंगे तो एथेन, और यहाँ पर आपके लिए एक और लिख देते हैं, एक कार्बन भी हो सकता है भाई, तो इसको हम लिखेंगे सिस्टम में एक कार्बन है तो सबसे पहले लिखिए आप क्लोरो, और एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथेन, जिसकी गलती हो रही थी बोलने पर बार बार, लिखिए क्लोरो मेथेन, क्लोरो एथेन, ऐसे ही हैलो एल्केन, यानी कि ये हैलोजन लोग हैं, ये भाई हैलोजन लोग हैं, इनका नाम पहले लेना पड़ेगा और बाद में एल्केन श्रृंखला, अब वो एल्केन मेथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, क्या है वो लिखनी होगी, एक कार्बन था तो मेथेन, दो कार्बन आए एथेन, तीन कार्बन आए तो प्रोपेन, चार कार्बन आए तो ब्यूटेन, और उसमें लगा क्या है, क्लोरो मेथेन, क्लोरो एथेन, ब्रोमो प्रोपेन आइडो। अब आ जाती है कंडीशन इस तरीके की, तो हम कार्बन की लंबी से लंबी लॉन्गेस्ट चैन चुन लेते हैं और उसमें हम गिनती करते हैं एक दो तीन चार, कितने कार्बन लगे हुए, एक दो तीन चार कार्बन लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हम बताएंगे 1, 3, सबसे पहले हम, अब देखिए आगे हम क्लोरो नहीं जोड़ सकते ऐसी कंडीशन में, अगर इसका नाम लिखेंगे तो ये नाराज हो जाएगा बंदा, इसका नाम लिखेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, बात समझ रहे हैं आप मेरी, नाराज होने की बात है, अगर हम क्लोरो एक के साथ में लगाते हैं तो ये नाराज हो जाएगा, इसको लगाएंगे ये नाराज हो जाएगा, तो क्यों ना हम इनके नाम पहले निकाल दें, तो लिखेंगे 1 क्योंकि 1 पर लगा है, 1, कहाँ पर लगा है, 3 पर, 3, 1, 3 डाई। अब जब दो एक जैसे चीजें हैं, ये क्लोरो एक जैसे की फोटोकॉपी है, जब एक दूसरे की एक फोटोकॉपी दो हो जाती तो उसे डाई, 3 हो जाए तो ट्राई, 4 हो जाए तो टेट्रा, 5 हो जाए तो पेंटा बोलेंगे,
दो ही फोटोकॉपी है तो डाई लिखा, डाई थोड़ा साफ करके लिखते हैं, वन कॉमा थ्री डाई, क्या चीज भाई डाई है, क्लोरो, तो लिखिए आगे क्लोरो। इस श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, एक दो तीन चार, तो लिखेंगे हम ब्यूटेन, इस तरीके से नाम लिखते हैं। लिख गया ना, कोई दिक्कत हुई? अब जैसे विभिन्न कार्बन हैलोजन परमाणु लिखे हो तो हम इसका नाम लिखने में बिल्कुल देरी ना करें, जोड़ लो एक दो तीन चार पाँच। आप समझ रहे होंगे आप इधर से गिनती क्यों की, क्योंकि इधर से पहले कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ है, इधर से चलेंगे तो हम एक दूसरे पर मिलेगा। गिनती उस तरफ से करते हैं जिधर से हैलोजन परमाणु या अनोखी चीज पहले मिल जाए, तो पहले कार्बन पर मिल गई बेहतर रहा। तो हम बताएंगे, अब हम इसमें एक और नियम लागू करते हैं, ये क्लोरो सी से लिखा जाता है, ब्रोमो बी से लिखा जाता है और आइडो आई से लिखा जाता है। अब अल्फाबेट में, यानी कि जो हमारी अल्फाबेट है 26 वर्ड्स की, तो उस वर्ड्स में बताएंगे कि सबसे पहले कौन सा आएगा, बी आएगा, सी आएगा या आई आएगा। तो बी पहले आता है, तो बी का नाम पहले लिखेंगे, लिखेंगे थ्री ब्रोमो, लिख गया ना, और लिखेंगे उसके बाद में सी आता वन क्लोरो, थ्री ब्रोमो वन क्लोरो, यानी बी पहले आता है सी बाद में आता है, उसके बाद में फोर आइडो, फोर पर लगा है आइडो। ये जो नंबर आगे लिखे जा रहे हैं ये स्थिति बता रहे किस कार्बन पर ब्रोमो जुड़ा है, तीन पर जुड़ा है, ये एक लिखा है वन क्लोरो यानी के वन कार्बन पर क्लोरो जुड़ा हुआ है, ये फोर आइडो लिखा है यानी चौथे कार्बन पर आयोडीन जुड़ा है। ये स्थिति बताते हैं कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब कितने कार्बन है, पांच, पेंटेन लीजिए। ये हो गया समाप्त आपका वीडियो आज के लिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा, तो बोरिंग क्लास नहीं बिल्कुल बनानी है, आपको बेस्ट से बेस्ट देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है वो आप जो भी नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, कमेंट से हमें ये पता चल जाता है स्टूडेंट को आखिर चाहिए क्या है। तो आप बहुत प्यारे से बच्चे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को जो भी नए जुड़ने वाले हैं तो जुड़ रहे हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़ते रहिए।